वेलकम बैक। फाइनली हम ग्लो गार्डन में आ चुके हैं। हमने यहाँ पे काफी सारी मस्ती की है और यहाँ पे बहुत सारा नाचे हुए हमारे जो फ्रेंड है विनोद। और क्या क्या कहना चाहोगे, आपको कैसा लगेगा यहाँ पे? यहाँ सबसे बेस्ट जो था ग्लो गार्डन का डांस, वो कोई कस्टमाइज करके गया था, आप लोग नाच रहे थे। हाँ, पर यहाँ पे डांस में हमने बहुत मजा किया, डांस में बहुत सारी मस्ती की है हमने। यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स किए, आप लोग हमें काफी देख रहे थे लोग हमें, और हमारे सेठ जी सेठ कुछ बोलो ग्लो गार्डन के बारे में, कैसा लगा आपको? डांस करके बहुत मजा आया और लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। और ग्लो गार्डन का वास्तव में ये ग्लो है। फाइनली वाटरफॉल का शॉर्ट फॉल देख के हम इधर आ चुके हैं। गाइस एक वार्निंग देना चाहता हूँ, प्लीज वाटरफॉल मत जाना उधर दिसंबर के महीने में, कुछ भी नहीं है उधर, पानी का एक टीपा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पूरा शॉर्ट फॉल ही है वाटर का। अभी हम आए हैं विश्व वन, विश्व वन सबसे बेस्ट टाइमिंग लग रहा है, इवनिंग टाइम का सबसे बेस्ट टाइम होने वाला है यहाँ पे। तो मैं आपको एक अग्रीम दिखाता हूँ, डॉल्फिन। अच्छा, अब हम जाने वाले हैं किसी और कंट्री में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग देशों के झंडे लगे हुए हैं, पर कोई भी देश हो भाई, अपना भारत देश सबसे महान है और महान ही रहेगा। मेक इन इंडिया, जय मोदी जी। यहाँ सब ऐसे ऐसे टेंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे पब्लिक बैठ सकता है, ये अलग अलग टेंट है विश्व वन में और काफ़ी सुंदर है एकदम। ये वाला देखिए, ये वाला तो काफ़ी अमेजिंग है। और अब आया हमारे कैक्टस गार्डन, तो अभी कैक्टस गार्डन एक्सप्लोर कर रही है, कुछ बोलना चाहोगे? देखते अभी कैक्टस गार्डन कैसा लगा, फूड तो अच्छा था, ठीक था। बर्गर मत खाना भाई, बर्गर मत खाना, यहाँ का बर्गर बहुत फालतू है, ठीक है। ये है काटो भला वाला गार्डन। अगर हमने वहाँ के फूल और पेड़ देख लिए तो फिर काटो ने भी क्या गुनाह किया है। तो हम अभी कांटे वाले गार्डन देखने आए हैं कि कैसे कैसे लगता है, कब के गार्डन से कांटे हैं, तो कांटों को भी थोड़ा जल्दी देख लिया जाए। सो दिस इज द सरदार सरोवर डैम, और ये पानी जाता है, और ये मूर्ति जो हम कल जा चुके हैं। अभी यहाँ पर देखना है बैठने का कुछ है, और यहाँ पे अलग अलग कांटे भरे रास्ते हैं, पर ये नज़ारा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सही है, शानदार है। पूरा कैक्टस गार्डन का व्यू, वहाँ पे सब अलग अलग टाइप के कांटे कांटे भरे राह मिलने वाली है, काफ़ी अलग है, मतलब अलग अलग गुलाब के कांटे हमने देखे नहीं, खास गुलाब के कांटे होते हैं, इसके कांटे भी देख लेते हैं। फूलों का क्या है,
पहले रंग से इम्प्रेस करते हैं, फिर खुशबू से। फिर रंग ढल जाता है, खुशबू उड़ जाती है। कांटों का कमाल देखो, मारते हैं मरते नहीं, और उन्हें मुरझाने का खौफ नहीं होता। तो फाइनली हमारा ट्रिप एंड हो चुका है। हम जाने वाले हैं हमारे घर के डेस्टिनेशन पे। दिन नई शुरुआत, काफी मजा आया। होप तो आपको भी वीडियो देख के काफी अच्छा लगा होगा। सो टाटा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। वेलकम टू ब्यूटीफुल गार्डन, ब्यूटीफुल पीपल डांसिंग विद। यार मैं भूल गई, डांस करने में बहुत मजा आया। एक डांस करने में सबसे ज्यादा मजा आ गया हम लोगों को। ऐसा कैमरा थोड़ी होता है यार। यहाँ पे अलग अलग वर्ल्ड कंट्रीज के यहाँ पे है, तो देखते हैं। और ये है हमारे पानी ड्रिंक ब्रेक्स। अरे प्रणील गाला तो टहलते हुए मोटिवेशन ढूंढते हुए अपना। ये ले, लोग तो भाग लिए। ले, आई एम इनटू माय चाइल्डहुड, हैविंग स्विंग एक्सपीरियंस, हैविंग दैट क्या घसरपट्टी एक्सपीरियंस। बस हो गया अभी। यहाँ भी मोदी जी, बस में भी मोदी जी, तो बना है शो में भी मोदी जी। इस गार्डन में हम आए हैं। तो एक चीज ध्यान रख लेना, हाँ। अपना खाना लेके आना। इट्स टू एक्सपेंसिव, इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। या वी आर गेटिंग चार्ज फॉर वन सैंडविच, वन सैंडविच फॉर 150। एंड बताएंगे इज इट वर्थ द मनी और नॉट। मुझे तो वर्थ नहीं था, हाँ, बिकॉज वी आर गेटिंग अ थाली फॉर 200 एंड वन सैंडविच फॉर 150। यहाँ पे आप अपना खाना खुद का लेके आओगे तो काफी बेहतर रहेगा। जो भी लेके आओ एक्स वाई जेड, बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और आरोग्य कैफे और एकता नर्सरी में यू हैव टू प्री बुक योर लंच। ये सही होगा। 200 का थाली है, 220 का थाली जो भी है। ऑनलाइन बुकिंग पहला करी थी।